brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. अमेरिका का ये सबसे महाशक्तिशाली ड्रोन है MQ-9, लेकिन फिर से ये एक बार मारा गया है। यमन में हुतियों ने इसे मार गिराया है और दावा किया है कि इसे कुछ घंटे पहले ही उन्होंने मारा है। अब इसका वीडियो सामने आ गया है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि MQ-9 रिपर का मलबा चारों तरफ फैला है और अब अमेरिका के बेहद अत्याधुनिक और शक्तिशाली ड्रोन मारे जाने के बाद MQ-9 रिपर को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। यमन में ये एक महीने के भीतर दूसरी बार है जब ये मारा गया है। आपको बता दें कि ये छठा MQ-9 है जो इस साल हुतियों का शिकार हुआ है। हुतियों ने लाल सागर में इसके बाद एक जहाज को भी निशाना बनाया है। लेकिन आखिर MQ-9 इतनी आसानी से कैसे मारा जा रहा है? हुतियों के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याह्या सारी ने दावा किया है कि विद्रोहियों ने गुरुवार को अमेरिकी रिपर ड्रोन को जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल से उस पर हमला किया और उसे नष्ट कर दिया। हुती प्रवक्ता के मुताबिक रिपर ड्रोन यमन के मारी प्रांत में कार्रवाई कर रहा था। ये इलाका यमन और निर्वासित सरकार और उसके गठबंधन सहयोगियों के कब्जे में है। अब ड्रोन के मार जाने का फुटेज जब बाहर आ गया है तो बहुत सारे लोग अमेरिका के शक्तिशाली ड्रोन के बारे में पूछ रहे हैं। एपी की रिपोर्ट कहती है कि हुती चरमपंथियों ने बाद में ड्रोन को मारे गिरा जाने का फुटेज जारी किया, जिसमें सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल को दागे जाने और ड्रोन से टकराने की नाइट विजन फुटेज भी शामिल थी। इसके साथ ही एक हुती चरमपंथी का नारा भी इसमें आसानी से सुना जा सकता है। ऑनलाइन रिलीज किए गए वीडियो में जमीन पर रिपर के मलबों को दिखाया गया है। इस मलबे में जगह जगह आग लगी हुई दिखाई दे रही है। अमेरिकी सेना ने अभी तक हुतियों के दावे पर कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन हुतियों के पास अमेरिकी ड्रोन को मार गिराने का इतिहास है। ईरान की मदद से हासिल मिसाइलों के चलते हुती आसमान में हमला करने और अमेरिकी हथियारों को गिराने में क्षमता हासिल कर चुके हैं। लेकिन इसी बीच खबर यह भी है कि भारत यही ड्रोन अमेरिका से खरीद रहा है। भारत अपने थल और नौसेना के लिए अमेरिका के MQ-9 रिपर ड्रोनों को खरीद रहा है। अमेरिका ने भारत को 30 MQ-9B रिपर ड्रोन दिए जाने के सौदे को मंजूरी दी है। चीन और पाकिस्तान के साथ तनाव भरे माहौल में भारत को ये शक्तिशाली ड्रोन मिलने वाला है, लेकिन एक साल में जब 6 बार इसे हुती मार चुके हैं तो कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। लद्दाख के क्षेत्र में इस खास ड्रोन की तैनाती बहुत जरूरी है, लेकिन इसकी क्षमता को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उन पर जवाब देना भी बेहद जरूरी हो गया है। अब ड्रोन के मार जाने से भारत की चिंता भी बढ़ चुकी है। तो आइए ऐसे में समझाते हैं कि आखिर कब कब ये ड्रोन मारा गया, कब कब हुतियों ने इसका शिकार किया है। तो इसकी शुरुआत होती है नवंबर 2023 से। पहली बार हुतियों ने नवंबर 2023 में MQ-9 ड्रोन को मारा। इसके बाद जनवरी 2024 में इस ड्रोन को मारकर उन्होंने गिराया है। इसके बाद जनवरी 2024 में MQ-9 इराक में गिरा, तब वहां पर इसे मारा गया। यहां पर इसे इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक ग्रुप ने इसे मारकर गिराया था। ये एक ईरानियन बैक्ड इराकी शिया मिलिटेंट्स का ग्रुप है जिसने इसे मारा था। उसके बाद बारी आती है फरवरी 2024 में, जहां फिर एक बार हुतियों ने इसी ड्रोन को मारकर गिराया और ये सब लाल सागर में हुआ था। और उसके बाद जो सबसे हालिया घटना है वो अप्रैल की है, और उसके बाद अब देखिए मई में फिर से ये ड्रोन एक बार हुतियों का शिकार हो गया है। कुल मिलाकर एक साल में 6 MQ-9 रिपर ड्रोन्स को मारा जा चुका है। लेकिन आखिर ये ड्रोन शक्तिशाली क्यों है? MQ-9 रिपर एक मानव रहित विमान यानी ड्रोन है, जिसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये 35 घंटे से अधिक समय तक 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। MQ-9 रिपर की दूसरी सबसे बड़ी खासियत यह है कि हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें इसमें लैस होती हैं और ये दुश्मन को खत्म कर सकता है। इसके अलावा ये ऊंचाई वाले क्षेत्रों या फिर इलाकों में तैनात होकर जमीन के साथ समुद्री लक्ष्य को निशाना बना सकता है। इसी ड्रोन की मदद से अमेरिका ने काबुल में छिपे अलकायदा आतंकी आयमान अल जवाहरी को ढेर किया था। MQ-9 रिपर सॉलिड कैमरा, सेंसर और रडार के साथ घंटों तक हवा में रहकर खुफिया जानकारी इकट्ठा कर सकता है। इसमें 66 फुट का विंग स्पैन है और हनीवेल इंजन है जो 3900 पाउंड ईंधन ले जा सकता है और 240 समुद्री मील की गति से यात्रा करता है। इस ड्रोन का फायदा यह है कि अमेरिकी ड्रोन MQ-9 रिपर मानवयुक्त विमानों से कम खर्चीले होते हैं और ऑपरेटर को इसे चलाना भी सुरक्षित होता है, क्योंकि इसमें पायलट की आवश्यकता नहीं है। दूसरे विमानों के विपरीत ड्रोन कई घंटों तक हवा में रहकर खुफिया जानकारी इकट्ठा कर सकता है। जनरल एटॉमिक्स के अनुसार इस ड्रोन को संचालित करने के लिए केवल $3,500 प्रति घंटे की लागत आती है, वहीं दूसरे विमानों की लागत तकरीबन $8,000 प्रति घंटे आती है।
आपको बता दें कि अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक्स इसे बनाती है। इसे नासा, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, यूके रॉयल एयरफोर्स, इटालियन एयरफोर्स, फ्रेंच एयरफोर्स और स्पेनिश एयरफोर्स द्वारा खरीदा गया है। इस ड्रोन की कीमत 453 करोड़ 73 लाख से ज्यादा है और ये ड्रोन 1900 किलोमीटर तक अपने दुश्मन को ट्रैक करके उसे मार सकता है। ये पलक झपकते ही दुश्मन को खत्म कर देता है और ये हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के साथ लैस तो है ही, साथ ही ये हर तरीके से दुश्मन पर हावी है और यही वजह है कि भारत इस खास ड्रोन में बहुत इंटरेस्टेड है। लेकिन ऐसे में जब इस ड्रोन को एक साल में 6 बार हूती मार चुके हैं, अब इस ड्रोन की क्षमता को लेकर सवाल उठ रहा है और भारत के लिए भी ये चिंता का विषय है।